फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। एना गुंडी के तरह मालन बांगे अमोंग आदंग गए मिलो बुलो एकपे उरम के सपे मालन ये निकोम दोली तुम अपोती तोका कानी तू तोका निकोम दोली तुम अपोती तोका कानी तू तोका सादा दो तोका माला लग मापु बितूरा आज का जो फिल्म जो रिलीज हुआ है बुरसो कहा जाए तो एक बेहतरीन मूवी कहा जाता है आदि फिल्म में जो आज का जो नया युग को अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशंस को लेके ये बनाया गया है। तो आप एज ए डायरेक्टर आईपीआर गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश आप खुद यहाँ पे इनॉग्रेशन प्रोग्राम में आया हुआ है आज का प्रीमियर शो में, तो आप इस मूवी को मतलब अभी किस हिसाब से इसको रेटिंग करेंगे, उसके बाद ये फिल्म क्या मैसेज देगा आने वाले युवकों को? ये फिल्म बहुत अच्छा ये क्या है हमारे युवकों को, और ये आजकल का ड्रग एडिक्शन और उसका बाद वो कैसे सुधार करके आगे भविष्य में अच्छा होना है, अच्छा होके बहुत अच्छा आदमी बन सकता है, उसी को ये फिल्म का मकसद हुई दिखाया है। क्या बढ़िया है? बढ़िया लोटो। थैंक यू। तो ये दर्शक है आज का बुर्सो मूवी का दर्शक लुक है और देख लीजिएगा अंकित मिश्री को रिलीज थका माया ना काबिल अंकु का। हम लोग तो सोचते थे कि एटलीस्ट तो 100 to 120 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ में तो देखा जाए तो मोर देन 300 आ गए हैं। तो काम पूरा नहीं सर, स्पेशल कमेंट कुछ आप सर जरा बताइए कि आपको कैसे लगे ये अच्छा लगा है? ये फिल्म को बहुत अच्छा लगा है और मिशन में भी ऐसा हमारा कमिंग जनरेशन के लिए ये सब सिखाना है और दिखाना है। अच्छा वेरी गुड मूवी। थैंक यू वेरी मच सर। आपको कैसे लगा बोलिए तो? एकदम नंबर वन। दिल से बोलिएगा। दिल से बोलेगा। सबसे पहले तो अभी आदि आदि मूवी में से ये नंबर वन है। दोनों कलर का बिल्ली में काम करो काम पोमा कैसा लगा बिल्ली? कैसा लगा काम करो है कल आ जाए कैसे लगा? कैसे मेरा कैसे लगा? दिल से बोलिए दिल से रियल में बनना थे। थैंक यू थैंक यू। कैसे लगा आपको फिल्म? जो अभी जो बुर्सी मूवी आया ना सब देखना चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है। मूवी तो बहुत अच्छा है, हमने भी देखा है, हमको तो देख के बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। तो हम लोग जो आदि बेली में अभी जो आदि मूवी आया है, सब लोग आदि सोसाइटी लोग और जो यंग जनरेशन लोग है वो लोग भी प्लीज देखिए मूवी को। ये मूवी में रियलिटी को दिखाया है, जो हम लोग अभी का जो माहौल जो चल रहा है ना यंग जनरेशन का, तो इस टाइप से लाइफ को अपना लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं हमको ऐसा लगता है। तो न्यू ईयर गिफ्ट हमने भी देखा, हमको तो बहुत अच्छा लगा। एक्टिंग तो क्या बोलेगा, और जो कहानी है वो भी बहुत अच्छी है, और जो कैरेक्टर का रोल किया है मिस गगुर पर में वो भी बहुत अच्छा रोल किया है, बहुत अच्छा। मतलब उसने तो कभी एक्टिंग भी नहीं सीखा, राइटिंग हम लोग अरुणाचल पर तो ऐसे कुछ है नहीं, तो बहुत अच्छा लगा हमको तो देख के। तो आप लोग भी प्लीज ये मूवी को एक बार विजिट करके देखिए। बुर्सी मूवी का जो टीम है उन लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया है, तो बहुत अच्छा बनाया है। फर्स्ट टाइम मतलब आदि जो हम लोग बेली में इतना अच्छा मूवी बनाया है, और हम चाहते हैं कि हम लोग आदि सोसाइटी लोग यूनिटी होके कमिटी मेंबर लोग जो है वो लोग हमको ऐसे लगता है कि एक सिनेमा हॉल का भी मतलब एक स्टूडियो खुलना चाहिए और जो थिएटर खुलना चाहिए, मतलब हिंदी मूवी देखते रहने से भी कुछ काम नहीं होता है। तो हम लोग अरुणाचल अपना लोकल का भी एंटरटेनमेंट करना चाहिए, तभी मतलब हम लोग को कुछ कुछ आजकल तो सोशल मीडिया देख के सब चीज़ को मतलब याद देखता है हम। हाँ हाँ ऐसे बोल के, अगर नहीं तो
कुछ पता नहीं है, दूसरा किताब को पढ़ते रहेगा तो अपना सोसाइटी को भूल जाएगा, वो भी कुछ अलग ही मजा नहीं है लाइफ में। तो वही बोलना चाहता है ऐसे बुरसी मूवी लोग टीम लोग जो है अपना मतलब बात में मिल के कुछ अच्छा बना और अच्छा इससे और भी अच्छा इससे मूवी बनाओ, हम यही चाहता है। और थैंक यू सो मच। यही कब कर फिल्म आई डन आई रोड थैंक यू कहा भी नाम लेगा दामी कारण फिल्म गायलो दं आई रोड थैंक यू आई डन फिल्म कम्प थैंक यू आई रोड आई डा फिल्म कारण कम्प दं थैंक यू फिल्म कारण कम्प दं आई रोड थैंक यू थैंक यू।